नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन आर्मी जी की गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं भारत एवं विश्व के टॉप 20 कंपनी के बारे में बात करेंगे और उनके संस्थापक कौन है और स्थापना कब हुआ है, इस टॉपिक के ऊपर आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें। एक बात और दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल है, फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सचिन बंसल एवं बिन्नी बंसल। सचिन बंसल एवं बिन्नी बंसल जो है ये दोनों भाई है जो फ्लिपकार्ट का स्थापना 2007 ईस्वी में किए थे। और दोस्तों इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को किस कंपनी ने ख़रीदा है? तो दोस्तों वालमार्ट। ध्यान दीजिएगा, वालमार्ट कंपनी ने इधर कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट को ख़रीदा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है, तो आंसर हो जाएगा सचिन बंसल एवं बिन्नी बंसल। और इसका स्थापना कब हुआ था? 2007 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेज़न के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों अमेज़न के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1994 ईस्वी में। और अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस जो हैं ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो जेफ बेजोस, और दूसरा अमीर व्यक्ति कौन है तो दूसरा है बिल गेट्स, और तीसरे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नैपडील के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों स्नैपडील के संस्थापक है कुणाल वहल। और इसका स्थापना कब हुआ था? 2010 ईस्वी में। स्नैपडील के संस्थापक कौन है? तो कुणाल वहल है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों विप्रो के संस्थापक है अजीम प्रेम जी। और इसका स्थापना विप्रो के स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारतीय एयरटेल के संस्थापक कौन है? भारतीय एयरटेल के संस्थापक कौन है? तो इनसे हो जाएगा सुनील भारती मित्तल। भारतीय एयरटेल के संस्थापक कौन है? तो सुनील भारती मित्तल। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों रिलायंस के संस्थापक है धीरू भाई अंबानी। और इसका स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया था। रिलायंस कंपनी का स्थापना कब किया गया था? तो 1966 ईस्वी में। और वर्तमान में रिलायंस के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में रिलायंस कंपनी का चेयरमैन कौन है? तो मुकेश अंबानी है जो कि एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। इधर हाल ही में अमीर व्यक्ति का सूची जारी किया गया है जिसमें एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों भारत में पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। और भारत में पेटीएम की स्थापना कब किया गया? तो 2010 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इन्फोसिस के संस्थापक है नारायण मूर्ति। और इसका इन्फोसिस का स्थापना कब हुआ? तो 1981 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। और इसका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। और बिल गेट्स जो है विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पूछा जाए एग्जाम में कि विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो बिल गेट्स हैं, जबकि प्रथम जेफ बेजोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों यूट्यूब के संस्थापक है स्टीव चेन। और यूट्यूब की स्थापना कब हुआ था? 2005 ईस्वी में। अगला सवाल है, HCL के संस्थापक कौन है? HCL के संस्थापक है शिव नाडर। शिव नाडर जो है HCL के संस्थापक है। और इसका HCL की स्थापना कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HP किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों HP जो है USA की कंपनी है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल किस देश की कंपनी है? तो डेल भी US की कंपनी है, US की कंपनी है। और इसका स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसंग किस देश का कंपनी है? तो दोस्तों सैमसंग जो है ये दक्षिण कोरिया का कंपनी है। और इसका स्थापना 1938 में किया गया। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, सैमसंग किस देश का कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया का कंपनी है। और इसका स्थापना कब किया गया? तो 1938 ईस्वी में। अगला सवाल है, सोनी किस देश का कंपनी है? तो सोनी जो है ये जापान का कंपनी है। और इसका स्थापना 1946 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल है, नोकिया किस देश का कंपनी है?
नोकिया किस देश की कंपनी है, तो आंसर हो जाएगा फिनलैंड की, और इसका स्थापना 1865 ईस्वी में किया गया। एग्जाम में पूछा जाए कि नोकिया की स्थापना कब किया गया, तो 1865 ईस्वी में। अगला सवाल है, एलजी किस देश की कंपनी है, तो दोस्तों एलजी जो है ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है और इसका स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सी किस देश की कंपनी है, तो पेप्सी जो है ये यूएस की कंपनी है और इसका स्थापना 1898 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका कोला किस देश की कंपनी है, दोस्तों कोका कोला जो है ये यूएस की कंपनी है और इसका स्थापना 1886 ईस्वी में किया गया। और लास्ट क्वेश्चन है, मैगी किस देश की कंपनी है, तो मैगी स्विट्जरलैंड की कंपनी है और इसका स्थापना 1890 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ वो आसानी से देख सकें। और दोस्तों इस वीडियो का PDF जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका लिंक जो है मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों एक आवश्यक सूचना है कि हमारे चैनल पर डेली 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक करेंट अफेयर का क्यूज और रात्रि 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच GK GS का क्यूज चलता है, तो प्लीज़ क्यूज में भाग जरूर लें। क्यूज करने से आपका GK पावर बढ़ेगा तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक में है तो क्यूज जरूर करें। थैंक यू, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।